गुजरात चुनावों के दौरान ये तस्वीर तो आपने देखी ही होगी। ये है चर्चित आईएएस अधिकारी अभिषेक सिंह। गुजरात चुनावों के दौरान अपनी गाड़ी के साथ तस्वीर डालने पर अभिषेक को प्रेक्षक के पद से हटा दिया गया था, जिसके बाद अभिषेक ने यूपी आकर अपना पदभार ग्रहण नहीं किया और बिना सूचना गायब है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नियुक्ति विभाग ने बिना छुट्टी गायब रहने के आरोप में अभिषेक को निलंबित करने का आदेश दे दिया है। बता दें कि इससे पहले अभिषेक अक्टूबर 2014 में भी निलंबित हो चुके हैं। जानकारी के लिए बता दें कि अभिषेक 2011 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और रायपुर के रहने वाले हैं। वह मार्च 2015 में दिल्ली प्रतिनियुक्ति पर गए थे। इसके बाद 30 जून 2022 को उत्तर प्रदेश वापस आए थे। उन्हें गुजरात चुनाव में प्रेक्षक बनाकर भेजा गया था, जहां कार के आगे खड़े होकर फोटो खिंचवाने और सोशल मीडिया पर डालने के बाद उन्हें हटा दिया गया था। उन्होंने इसके बाद यूपी में आकर अपना पदभार ग्रहण नहीं किया। नियुक्ति विभाग ने उन्हें नोटिस भी भेजा, लेकिन जवाब नहीं आया। बिना बताए गायब रहने और आचरण नियमावली का उल्लंघन करने के आरोप में उन्हें अब निलंबित कर दिया गया है। अभिषेक सिंह सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने के साथ साथ फिल्मों में भी रोल करते हैं। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने अभिषेक सिंह को गुजरात चुनाव में प्रेक्षक नियुक्त किया था। उन्हें बापूनगर और असरवा विधानसभा क्षेत्र के लिए सामान्य पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके बाद उन्होंने प्रेक्षक लिखी गाड़ी के सामने खड़े होकर अपनी फोटो खिंचवाई और उसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था। चुनाव आयोग ने इसी के बाद उन पर कार्रवाई की थी। आयोग की तरफ से कहा गया था कि अभिषेक सिंह ने इंस्टाग्राम पर अपनी पोस्टिंग की तस्वीरें साझा की हैं और अपनी आधिकारिक स्थिति को पब्लिसिटी स्टंट के रूप में इस्तेमाल किया है। आयोग ने उन्हें तुरंत निर्वाचन क्षेत्र छोड़ने और अपने नोडल अधिकारी को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया था। प्रेक्षक के रूप में उन्हें प्रदान की जाने वाली सभी सरकारी सुविधाएं वापस ले ली गई थी। उनकी जगह आईएएस अधिकारी कृष्ण वाजपेयी को बापूनगर और असरवा की जिम्मेदारी दी गई थी।